गर्मियों में इसके बिना दोस्तों हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा है, और हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। आप हैंगिंग में लगाएंगे इन प्लांट को, जब ये फूल आ जाएगा, फूलों से भर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ लेता जाएगा, ऐसे ऐसे हम इसको आगे से पिंचिंग करते जाएंगे। पिंचिंग करने से ब्रांचेज हमारी बढ़ेगी और फूल भी ज़्यादा आएंगे। फ्रेंड्स, राधे राधे, श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए मॉस रोज, बॉटल का, और ऑफिस टाइम, और 9 o'clock, पता नहीं किस किस नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों। तो आज हम इसी की बात करेंगे। ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का सेव किया हुआ है। मैं ऐसे बॉट्स में इसको ऐसे ही रख दिया था, और अब जब सीजन आया तो इसको ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर दी, तो इसको रिपोर्ट भी नहीं किया। ये पिछले साल की ही है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी कटिंग के द्वारा इसको कैसे लगाया जाए। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत टिपिकल नहीं है ये प्लांट दोस्तों, ये बहुत ही इजी कटिंग से लगने वाला प्लांट है। तो इसको कैसे कैसे लगाना है और इसकी क्या क्या केयर है, तो इसी बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। वैसे तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है दोस्तों, मगर जब इसको आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो थोड़ा सा इसको शेडेड एरिया में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो भी ये बड़े आराम से लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको इसके लिए बस आप वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, और मैं तो इसको कटिंग ऐसे ही लगा देती हूँ, जो मेरी मिट्टी बनी हुई है ना उसमें ही लगा देती हूँ, तो ये तो उसमें भी चल जाती है। और आप अगर स्पेशल मिट्टी बनाना चाहते हैं तो इसको सैंड और सॉइल का मिक्सचर बनाइए 50-50%, और उसमें लगा दीजिए, बड़े आराम से लग जाता है। और लगाने के बाद इसको हम रखेंगे शेडेड एरिया में, और जब ये लग जाएगा, इसकी रूट्स आ जाएगी, तो उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखिए और पानी इसको देख कर दीजिएगा, क्योंकि वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी का ही है। और तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं एक बार वीडियो में, उसी में मैं पूरी जानकारी दूंगी आपको। फ्रेंड्स, आज मैं देखो आपको पर्सुलेन और पर्चुलुका की कटिंग्स लगाना बताऊँगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए इसके नीचे के पत्ते जो हैं मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं, और मैं कहीं से कटिंग लेके आई हूँ, काफ़ी कुछ लेके आई हूँ, तो बाकी तो चीज़ें मैंने अभी पानी में डिप कर दी है। और वैसे तो शाम का समय हो रहा है फ्रेंड्स, पर मैंने सोचा इसको लगा ही दूँ। तो देखिए मेरी मिट्टी में हाथ भरे हुए हैं, और ये मेरा पॉट खाली सा ही है, समझ लो एक प्लांट इसमें सूख गया है, तो मगर मैंने उसको छोड़ रखा है इसी आशा में कि बारिश वूरिश आए तो क्या पता ये दोबारा फूट जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर कटिंग लगानी है तो आप सैंडी सॉइल ले सकते हैं, कोकोपीट और जो गार्डन सॉइल है उसका मिश्रण भी ले सकते हैं आप, और खाली सैंड कंस्ट्रक्शन वाली हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास जो गमले में, और वैसे ये ज़्यादा ट्रिकी प्लांट नहीं है, ये बिल्कुल आराम से लगने वाला पौधा है। तो मैंने क्या करा है, जो मेरी बनी बनाई मिट्टी है मैं उसी में लगा रही हूँ, और ये है पोटुलका की देसी वैरायटी, और कलर मुझे नहीं पता, कलर आने पे पता चलेगा कौन से कलर की है। 2-3 पॉट में से लेके आई हूँ उनके, तो कलर आने पे पता चलेगा कि कौन से कलर की है। तो बस मैं इसको साइड साइड में, आपने क्या करना है 1 से 2 इंच को मिट्टी में दबा देना है, और इसमें एक बार हम पानी अच्छे से डाल देंगे, और जब ये मिट्टी इसकी सूखेगी सेकेंड डे में हम पानी तब डालेंगे, और थोड़ा सा इसको हल्का सा शेड में रखेंगे। और जब इसकी लग जाएगी ना ये, तो आप एकदम मतलब ये टहनियाँ खड़ी सी रहे हो जाएंगी, स्टैंड हो जाएंगी, फिर हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे। ये सनलाइट का प्लांट है दोस्तों, जितनी इसमें धूप लगेगी उतना ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा हमारा। तो बस इसको बिल्कुल लगाना आसान है, सिर्फ ऐसे हम मिट्टी में 1 से 2 इंच इसको दबा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, हल्का सा पानी डाल देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। वैसे तो ये धूप में भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी तो बहुत लगाना इजी है इसको, एक बार बस ये लग जाए उसके बाद तो इतना फैलेगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। देखिए अभी मेरे पास कटोरी ही है, चलिए इससे ही पानी डाल देती हूँ। इसमें मैंने कुछ ब्रांचेस भिगो के रखी थी, तो मैं इसके साइड साइड में एक बार हल्की सी वाटरिंग कर दूँगी। तो बस दोस्तों इतना ही पानी डालूँगी मैं, ये देखिए बिल्कुल पानी समा गया है गमले में, इधर से थोड़ा सूखा लग रहा है मेरे को, इधर से डाल देती हूँ। बस एक बार अच्छा सा पानी डाल दूँगी, और उसके बाद जब ये अब सूख जाएगा बिल्कुल इसका पानी, तब मैं डालूँगी। और
ये विद इन वीक में ही फ्रेंड्स बिल्कुल लग जाएगी। मैंने देखी ज़्यादा नहीं दबाई है इसको, एक हफ्ते में ये बिल्कुल अच्छी सिस्ट मतलब सेट हो जाएगी मेरी। और बस फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो मैं इसकी पिंचिंग चालू कर दूँगी, और जैसे जैसे और ज़्यादा लंबी ब्रांच होगी तो उसी को आगे से तोड़ तोड़ के मैं इसमें लगाती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास दो हाइब्रिड की भी है, तो इसी तरह सेम प्रोसेस हाइब्रिड का भी रहेगा। हाइब्रिड को मगर मैं छत पे जाके लगाऊंगी दोस्तों, और अब होगी ये शाम, तो इसीलिए मैं आपको ये शायद नहीं दिखा पाऊँगी, अंधेरा हो गया है। इसको बस हाइब्रिड वाली को भी थोड़ा पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं इसको सोच रही हूँ बिल्कुल सैंडी सॉइल में लगा दूँगी, है ना। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको और छोड़ देंगे हम, और इसकी जब रूट्स आ जाएगी जिस तरह से वो बढ़ती है ना ज़्यादा, उस तरह से इसका थोड़ा सा कम रहती है ग्रोथ हाइब्रिड की, मगर फूल इसका अच्छा गुच्छेदार आता है और अच्छे कलर्स में आता है। तो इसी तरह मैं हाइब्रिड की भी लगा दूँगी, सेम वही प्रोसेस है। ये देखिए मैं एक और कटिंग दिखाती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने लगाई थी, तो ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए ये वाली कटिंग मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ अभी फूल आने से पहले ही इसकी ऐसे ऐसे ब्रांच तोड़ तोड़ के और इसी में गड्ढा करके ना इसी में और आगे लगाती रहती हूँ, ऐसे बस इसमें मिट्टी में दबा देती हूँ। तो मैं एक बार इसको अच्छा सा घना करूँगी, पहले फ्लावरिंग नहीं लूँगी। और घना करने की टिप है दोस्तों, ये देखिए इसमें मैंने कर चुकी हूँ, तो ये देखिए आपको दो तीन ब्रांच दिख रही है ना। अभी देखिए शाम का समय हो रहा है तो ये बेचारी पत्तियाँ मेरी बंद हो रही है, पर मैं दिखा देती हूँ चलो आपको। आपको घना करने के लिए क्या करना है, जैसे जैसे स्टेम बढ़ती जाए उसकी आगे आगे से टिप की पिंचिंग करती जानी है। जितनी आप इसकी टिप की पिंचिंग करोगे उतनी उतनी ब्रांच इसकी ज़्यादा निकलेगी और आपको ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। तो ज़्यादा इसको घना करने का यही टिप है दोस्तों, ज़्यादातर प्लांट्स के लिए यही ट्रिक हम अपनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपडेट के साथ, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा।